हेलो लर्नर्स, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग रियली गुड. सो अभी जो इसके पहले वाला वीडियो है वो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड का देखा है कि वहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न हम कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दोज ऑल कॉन्सेप्ट, राइट? तो अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की और फैक्टर थ्योरम की. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली जैसा नाम है वैसा ही काम है. रिमाइंडर थ्योरम इज बेसिकली यूज फॉर टू कैलकुलेट रिमाइंडर, राइट, व्हेन वी आर डिवाइडिंग एनी पॉलीनोमियल टू एनी पॉलीनोमियल, राइट? तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखा है कि वहाँ पर हमें अगर रिमाइंडर गेट करना है तो वी हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? हमें पूरा स्टेप परफॉर्म करना होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप रिमाइंडर गेट्स कर सकते हो. यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स ओनली ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड यू विल गेट रिमाइंडर. रिमाइंडर थ्योरम की कुछ प्री कंडीशंस होती हैं कि कब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आप एवरी पॉलीनोमियल में किसी भी पॉलीनोमियल को किसी से भी डिवाइड किया जा रहा है तो उसमें आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. ऐसा नहीं है, इसकी भी कुछ कंडीशंस है. तो वो हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जहां पर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हम देखने जा रहे हैं अभी. तो रिमाइंडर थ्योरम की जो पहली कंडीशन है, अभी मैं प्री कंडीशंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, प्री कंडीशन में बेसिकली दो कंडीशंस आती हैं. पहली कंडीशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि जो पी एक्स बेसिकली डिविडेंट है. ठीक है, यहाँ पे मैं डिनोशन लिख देता हूँ कि पी एक्स को हमेशा मैं जो है डिविडेंट लूँगा. ठीक है, और जी एक्स को मैं एज अ डिवीजर लूँगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ डिनोशन लिख दिया है. तो यहाँ पे प्री कंडीशन क्या है ये हम देखते हैं. प्री कंडीशन है कि पी एक्स जो कि डिविडेंट है, इसकी डिग्री हमेशा एक से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए. ये पहली कंडीशन है, तभी रिमाइंडर थ्योरम अप्लीकेबल है. एक के बराबर मतलब मिनिमम से मिनिमम ये लीनियर पॉलीनोमियल हो सकता है, अदरवाइज उससे बड़ा ही होना है इसे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट मैं बात करूंगा जी एक्स के बारे में कि जी एक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. जी एक्स है हमारा डिवीज़र, तो जी एक्स के लिए कंडीशन होना चाहिए कि ये लीनियर पॉलीनोमियल ही होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इक्वल साइन करा, यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं है. यहाँ पर इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर दैन, लेसर दैन, राइट, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो ये सारे इनइक्वालिटीज़ हैं. लेकिन यहाँ पे मैं प्योर इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूँ, मतलब डिवीज़र मस्ट होल्ड दिस प्रॉपर्टी, जी एक्स मस्ट बी अ लीनियर पॉलीनोमियल, ये लीनियर पॉलीनोमियल ही होना चाहिए. ठीक है, तो ये कंडीशन है. और अब बात करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट का. रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ क्या, यहां पे इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स दैट इज x माइनस ए, सो पॉलीनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट ए विल बी रिमाइंडर. ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा. तो स्टेटमेंट कई सारे तरीके होते हैं स्टेटमेंट लिखने के, लेकिन एक जो थ्योरी वाइज जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है कि अगर मैं पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करता हूँ, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए है, जी एक्स एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पे पी ए मतलब वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट ए विल बी रिमाइंडर. ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं. यू आर गिवन पी एक्स, राइट, एज अ डिविडेंट, जी एक्स यू आर गिवेन एज अ डिवीजर. ठीक है, देन रिमाइंडर,
रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए. अगर मैं मान रहा हूँ कि जी एक्स यहाँ पर एक्स माइनस ए है तो ठीक है. सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम का और प्रैक्टिकली इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं. देखो स्टेटमेंट और अप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम तब देखेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये हो गया बेसिकली हमारी कंडीशंस हो गई. और हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, उसका मेथडोलॉजी क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है. अब हम ये देखेंगे, मैं आपके सामने तीन एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. लेट्स सी, जो मैं केस वन ले रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ. मतलब आपको पी एक्स अगर गिवेन है एज अ डिविडेंड, कंडीशन मैंने पहले बता दी है, और जी एक्स आपको गिवेन है एक्स माइनस ए. अगर आपको ये गिवन है तो बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर होगा पता है क्या, पी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए. यही है रिमाइंडर थ्योरम. मतलब अगर आपको पी एक्स गिवन है, मतलब पॉलिनोमियल आपको गिवन है, डिवीज़र आपको गिवन है एक्स माइनस ए टाइप का, तो रिमाइंडर आपका होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए. तो ये है रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, अब इसको प्रोसेस में अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन. ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो लेट्स सी थ्रू अ एग्जांपल. ठीक है, किसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं. आपको मैं पी एक्स दे रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स, राइट. यहाँ पे मैं जी एक्स आपको दे रहा हूँ एक्स माइनस वन. ठीक है, अब आपको यहां पे फाइंड करना है आर एक्स. ये है क्वेश्चन आपका. यहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं. यहां पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बाई रिमाइंडर थ्योरम. बाई रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई केस वन का तो मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका. यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्यूशन एक्चुअल में कैसे निकालते हैं. तो रिमाइंडर थ्योरम आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए जो स्टेप वन होता है, उसके लिए जो स्टेप वन होता है वो ये होता है कि फाइंड जीरो ऑफ डिवीजर. किसका जीरो आपको फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ डिवीजर. डिवीजर क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक्स माइनस वन, इसका जीरो फाइंड करना है. मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल में ये बताया हुआ है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कैसे फाइंड करते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसी को उठा के इक्वल टू जीरो कर दो, तो जो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी वही जीरो होगा. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस वन, मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा एंड इट विल कम एक्स इज इक्वल टू वन. तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, जी एक्स का जीरोज हो गया. तो ये पहला स्टेप डन हो गया हमारा. सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट रिमाइंडर निकल के आ जाता है और वो रिमाइंडर होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वन. मतलब जी एक्स से जो जीरो कैलकुलेट होके आया है वही हम पॉलिनोमियल में उठा के फेंक देते हैं. एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आपको आता है जो कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख चुके हैं. तो यहाँ पे सीधे सीधे वन पॉलिनोमियल जो आपका गिवन है वहाँ पे वन वैल्यू उठा के फेंकना है. मतलब वन क्यूब एक्स क्यूब, मतलब वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस इस माइनस, तो माइनस सिक्स. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कैलकुलेशन से बचा हुआ है वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस सिक्स. माइनस माइनस वाले पहले ऐड हो जाएंगे, बाद में एडिशन वाले, एंड फाइनल यू विल गेट आंसर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस नाइन प्लस फाइव, तो कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी फोर है, तो माइनस फाइव विल कम एज अ रिमाइंडर. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस फाइव आ गया. ठीक है, मतलब विदाउट
परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन यू कैन गेट रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसमें दो स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप यह है कि जो डिवीजर दिया हुआ है उसका आपको जीरो फाइंड करना होता है। जीरो फाइंड कैसे करते हैं? बाय सिंपली पुटिंग इक्वल टू जीरो, आई विल गेट ओवर हियर जीरो ऑफ जी एक्स। जैसे मुझे जीरो ऑफ जी एक्स मिल गया, वैसे उठा के मैं पॉलिनोमियल में फेंक दूंगा, और पॉलिनोमियल में जैसे फेंकूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा, मतलब रिमाइंडर मिल जाएगा। यहाँ पे केस टू देखते हैं। केस टू मतलब इफ़ यू आर गिवन पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है, एंड यू आर गिवन जी एक्स एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा यहाँ पे p माइनस ए, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस ए। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे जी एक्स में शिफ्ट किया क्या दे रहा हूँ, ये मैं केस टू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए कि बेसिकली हम डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, इफ़ जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है कि इफ़ यू आर गिवन डिविडेंड पी एक्स एंड डिविजर जी एक्स दैट इज एक्स प्लस ए, देन रिमाइंडर विल बी पी माइनस ए, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस ए। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल से, प्रोसेस सेम है, स्टेप सेम है। स्टेप यहाँ पे फाइंड द जीरो ऑफ डिविजर, यहाँ पे एक्स प्लस वन था, एक्स प्लस वन था, तो फाइनली एक्स माइनस वन निकल के आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर बेसिकली क्या हो जाएगा? पी माइनस वन, तो पी माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन वी विल पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स, तो माइनस वन होल क्यूब देन माइनस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन एंड माइनस सिक्स, वी विल कैलकुलेट इट एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो यहाँ पे माइनस वन का होल क्यूब क्या आएगा? माइनस वन विल कम, माइनस वन का होल स्क्वायर इट विल कम वन ओनली, सो इट विल रिमेन माइनस थ्री ओनली, देन प्लस फोर माइनस वन, तो ये माइनस फोर आ जाएगा, और लास्ट में माइनस सिक्स आ जाएगा, तो कुल मिला के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस फोर्टीन आ जाएगा, तो माइनस फोर्टीन विल बी रिमाइंडर। केस दूसरा भी देख लिया मैंने, ठीक है। तो स्टेटमेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई सा भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाकी बोल भी रहा हूँ, बोलने वाला भी चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पे तीसरा केस भी देख लेते हैं। जो तीसरा केस है वो मैं ले रहा हूं, अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड टर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड टर्म होता है। केस यहां पे तीसरा ले रहा हूं, इफ यू आर गिवन डिविडेंड एंड जी एक्स यू आर गिवन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहां पे जो रिमाइंडर होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी, मतलब रिमाइंडर विल बी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, वी विल सी बाय द एग्जांपल। सो लेट्स सी एग्जांपल, एग्जांपल यहां पे देखेंगे अपन, ठीक है। यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एज पी एक्स, अच्छा स्टेप मुझे वहीं फॉलो करने हैं। एज पी एक्स आई एम टेकिंग एक्स क्यूब माइनस ओके एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे मैं एज अ डिविडेंड जो मैंने लिखा है वो मैं ले रहा हूँ, और जी एक्स यहाँ पे ले रहा हूँ टू एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे टू एक्स प्लस वन मैं एज अ डिविजन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के मैंने बताया कि तरीका सेम है। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है? स्टेप फर्स्ट में जो जी एक्स दिया होता है, जो डिवीजर दिया होता है, उसका आपको ज़ीरो फाइंड करना होता है। ज़ीरो फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आपको जी एक्स को इक्वल जीरो के रखना होता है। जी एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस वन बाई टू। वन को मैंने इधर ट्रांसपोर्ट करा, टू मल्टीप्लाई में था, ये अपॉन में चला जाएगा, तो एक्स विल कम माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है, सेकंड स्टेप में बेसिकली आपको वैल्यू फेंकनी होती है पॉलिनोमियल में, मींस यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहीं डायरेक्ट हो जाता है रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर विल बी पी माइनस वन बाई टू, जो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली यहीं पॉलिनोमियल में मैं उठा के फेंक दूंगा, रिमाइंडर विल बी
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस वन अपॉन टू, तो यहाँ पे वैल्यू आप फेंक देंगे, एक्स क्यूब है तो माइनस वन बाई टू का होल क्यूब, माइनस थ्री माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन बाई टू प्लस वन। जहाँ जहाँ पे भी एक्स है मैंने सिंपली वहाँ पे माइनस वन बाई टू पुट कर दिया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा है। इसके बाद कैलकुलेशन है, यू कैन डू बाई योर सेल्फ। आप यहाँ पे सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे केस कवर कर लिए हैं, ठीक है। रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, ये दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, आपको जी एक्स का जीरो फाइंड करना होता है, और दूसरा स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है। इन दो स्टेप के अलावा तीसरा स्टेप है ही नहीं। रिमाइंडर थ्योरम बच्चों को सबसे आसान लगता है क्योंकि इसमें सीधे सीधे वैल्यू आपको फेंकनी होती है और रिमाइंडर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। ये आपको अलग लगेगा और बच्चे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, थोड़ा सा क्योंकि ट्रिकी है, कि अगर आपको px दिया हुआ है, मैं सीधे एग्जांपल ले रहा हूँ, px आपको दिया हुआ है 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ये आपको px दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड दिया हुआ है, और gx आपको दिया हुआ है सिर्फ x, राइट। एंड यू हैज बीन आस्क्ड व्हाट विल बी रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई ओनली रिमाइंडर थ्योरम, तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ। अब खोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि पी एक्स की डिग्री वन के बड़ी है और जी एक्स जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। जो स्टेप वन होता है, वो स्टेप वन क्या होता है कि जी एक्स का आपको ज़ीरो फाइंड करना होता है। वो जीरो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है एक्स, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको उठा के इक्वल टू जीरो कर दो। तो यहां पे बेसिकली एक्स इज इक्वल टू जीरो ही जो है इसका जीरो बन जाएगा, जीरो वैल्यू ही इसका जीरो बन जाएगा, इसका रूट्स बन जाएगा। तो हमें रूट्स सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि आपको बेसिकली रूट्स कैलकुलेट करने होते हैं और उसी रूट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जो स्टेप टू होगा वो बेसिकली यही होगा कि रिमाइंडर विल बी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ज़ीरो, ठीक है। जो रूट्स आया हुआ है उसी पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वही रिमाइंडर बन जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, गिवन है हमें 4x, यू नो, तो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, सो 4 इंटू जीरो रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू जीरो, कुल मिला के जहाँ जहाँ पे भी x है वो सारा क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। सीधे सीधे जो लास्ट वाला स्टेप होगा, जो लास्ट वाला टर्म होगा, वहीं रिमाइंडर बन जाएगा। तो ये केस मैं छोड़ रहा था, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ये चाहे एक्स हो चाहे 4x हो सकता है यहाँ 4x दिया हो तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 4x भी दिया हुआ है तो 4x इज इक्वल टू जीरो, अगेन इट विल कम x इज इक्वल टू जीरो ओनली, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मोनोमियल है, मतलब सिंगल टर्म दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा ही हमेशा केस आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, लेट्स मूव इन फैक्टर थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के बाद आता है क्योंकि बेसिकली टोटली बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पर। कैसे है वो हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, कि फैक्टर थ्योरम है क्या। बाकी अप्लीकेशन और स्टेटमेंट में काफ़ी अंतर होता है। जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था कि मैंने आपको जब स्टेटमेंट बोल के बताया था या लिख के बताया था, तो हो सकता है आपको उतनी पिक्चर क्लियर ना हुई हो कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि कौन से दो स्टेप फॉलो करते हैं वाया दैट यू कैन गेट रिमाइंडर, देन मुझे लगता है आपकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर भी सेम यही है कि फैक्टर थ्योरम में भी मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि इफ यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल दैट इज पी एक्स, तो इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये बेसिकली इसकी डिग्री वन
या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, इसे छोटा नहीं होना चाहिए, तभी इसके फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, फैक्टराइजेशन में और ये कॉन्सेप्ट देख लेंगे। जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, अगर सेंटेंस का मतलब ना समझ में आया जो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले बोली, तो अपन फैक्टराइजेशन में देख लेंगे। फैक्टराइजेशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, वो हम देखेंगे वहाँ पर। तो पहली कंडीशन क्या है कि इफ पीएक्स की डिग्री, पीएक्स की डिग्री बेसिकली 1 से बराबर है या फिर 1 से बड़ी है। तो जो पहली कंडीशन है वो ये है फैक्टर थ्योरम की कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का फैक्टर तभी होगा इफ पी ए विल बी जीरो। ठीक है, मतलब मैं अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये तभी फैक्टर होगा जब पी ए जीरो होगा। सेकेंड है सेम इसका उल्टा कि पी ए जीरो तभी होगा इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये वाइस वर्सा दोनों ट्रू है, ये एक दोनों के वाइस वर्सा हैं। मतलब एक्स माइनस ए तभी फैक्टर होगा पी एक्स का जब पी एज इक्वल टू जीरो होगा, और अगर पी एज इक्वल टू जीरो गिवेन है, ये तभी होगा जब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस अपन ले सकते हैं। अगर मैं केस टू की बात करूं, मैं अगर किसकी बात करूं, केस टू की बात करूं, ये केस वन है। केस टू की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं एक्स प्लस ए ले सकता हूं, है ना। एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का बोला जाएगा ओनली एंड ओनली इफ P माइनस ए विल बी जीरो। इसका वाइस वर्सा क्या है कि P माइनस ए अगर जीरो है, ठीक है, ये कब होगा, ओनली एंड ओनली इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अभी जो मैंने लिखा है वो सिर्फ स्टेटमेंट है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बेसिकली आप वहीं से ही सीखते हो कि जो क्वेश्चंस आते हैं फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, वो आप वाया एग्जांपल ही देखते हो। तो ये तो रहा स्टेटमेंट, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स सी बाय द एग्जाम्पल हाउ टू इम्प्लीमेंट फैक्टर थ्योरम। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ओवर हियर पी एक्स एज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ये हमारा पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे चेक करना है जी एक्स के लिए, दैट इज एक्स माइनस वन। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चेक करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, चेक वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। आपको चेक करना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो इसके मैं सॉल्यूशन में आता हूँ। सॉल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ भी आपको फॉलो करने होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, मैंने क्यों बोला था आपको कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बेसिकली एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जैसे मैं स्टेप लिखने जा रहा हूँ। तो स्टेप वन इसका बेसिकली है कि जी एक्स, जिसके लिए मुझे चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो जी एक्स जो भी आपको दिया हुआ है उसके रूट्स आपको फाइंड करने होते हैं। रूट्स फाइंड करने होते हैं मतलब जीरो फाइंड करना होता है, मतलब दोनों बातें एक हैं, मतलब आपको उसी पॉलिनोमियल को उठा के जीरो कर देना होता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी, वन आएगी। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर एक्स विल कम वन। तो स्टेप वन हमारा डन हो गया। स्टेप टू क्या है, स्टेप सेकेंड है कि मुझे रिमाइंडर फाइंड करना होता है। ठीक है, रिमाइंडर होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो मुझे जी एक्स से जीरो कैलकुलेट होके आया, जो मुझे रूट कैलकुलेट होके आया है किससे, जी एक्स से, वही सेम वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वन, एंड फ्रॉम वेयर वन इज कमिंग, फ्रॉम जी एक्स ओनली, राइट। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वन
क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9. सो 1 प्लस 3 माइनस 9 एंड इट विल हाउ मच इट विल कम 4, तो इट विल कम माइनस 5. तो रिमाइंडर यहाँ पे मुझे माइनस 5 दिख रहा है. यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं अरिथमेटिक में भी जब मैं डिवीजन परफॉर्म करता था तो जब लास्ट में कभी रिमाइंडर 0 आ जाता था तो अपन वहाँ पे क्या बोलते थे कि ये नंबर बेसिकली इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब डिविजिबल है नंबर इससे, जब रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाता था. और अगर 0 नहीं मिलता था तो मैं क्या बोलता था कि ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है. सेम यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या मिला है, रिमाइंडर क्या मिला मुझे, माइनस 5 मिला है. तो ये 0 नहीं है. अगर 0 नहीं है मतलब ये इसका जो x इज इक्वल टू 1 है ये इसका रूट्स नहीं है. और एल्स यू कैन से इसके अलावा क्या बोल सकते हो कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर माइनस 5 बचेगा. और रिमाइंडर माइनस 5 बचेगा इसका मतलब ये टोटली डिविजिबल नहीं है. टोटली डिविजिबल नहीं है मतलब इसका फैक्टर नहीं है. जो जिसका फैक्टर होता है उसको टोटली डिवाइड भी करता है. मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 लूं तो 15 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3, तो 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 15, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 15. तो आई होप यू आर गेटिंग इट. सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट, वही फैक्टर है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है. ये वही सेम फैक्टर जो अरिथमेटिक में होता है, वही सेम फैक्टर सही है. ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट में भी हमने ये देखा था, जो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट था उसमें भी हमने ये देखा था कि अगर पी इज इक्वल टू 0 आता है तो ये बेसिकली पी 1 इज इक्वल टू 0 ना होकर यहाँ माइनस 5 है. तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आएगा कि जो जी एक्स है, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसका फैक्टर नहीं है. ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, चेक वेदर एक्स माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30. इसके लिए मुझे चेक करना, क्वेश्चन ऐसा आएगा. इसके सॉल्यूशन में आते सीधे कि फैक्टर थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं. मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेप वन होता है कि आपको जो डिवीज़र है जिसके लिए फैक्टर चेक करना है, इसको ये बेसिकली डिवीज़र ही तो होता है इसका, मुझे इसके लिए फैक्टर चेक करना है एक तरीके से, इसको मतलब डिवाइड करना है. अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. फैक्टर का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड भी करेगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. स्टेप वन यही है कि जो जी एक्स है इसको मैं जी एक्स मानूंगा. ठीक है, तो जी एक्स जो कि दिया हुआ है एक्स माइनस 6, तो जी एक्स के मैं रूट फाइंड करूंगा. तो रूट फाइंड करने के लिए जी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 6. ठीक है, अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है बेसिकली, स्टेप टू क्या है कि यहाँ पे आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है. रिमाइंडर किस पे कैलकुलेट करना होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट यू नो रूट वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 6. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पे वैल्यू वी आर गोइंग टू पिट एंड दिस विल कंसीडर एज पी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 6 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 6 प्लस 30. तो यहाँ पे क्या आ गया, 36 आ गया, 6 या 36 एंड देन माइनस 66 प्लस 30. 30 प्लस 36 66 माइनस 66 विल कम 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर बेसिकली 0 आ रहा है. यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है. और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि x माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30. मतलब ये कि अगर मैं x माइनस 6 से इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. और यही फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर किसी को पूर्णतया डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा. तो यहाँ पे बोल दूंगा यस, क्या बोलेंगे अपन, यस जी एक्स, जी एक्स मीन्स एक्स माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स.
क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। दो एग्जांपल मैंने देख लिए हैं कि आपको स्टेप्स कौन से फॉलो करने होते हैं। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि बेसिकली यहाँ तक मैं रिमाइंडर थ्योरम वाले ही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू चेक द फैक्टर। इसलिए मैंने बोला था कि दोनों इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि रिमाइंडर के बाद ही डिसाइड होता है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड।